गाइस वेलकम बैक। तो पार्ट टू आ गया है, आप सबका इंतजार खत्म हुआ। अब तो बस अभी तैयारी कर रहा हूँ पार्ट सुंदरकांड की। आज 3 बजे है तो अभी मैं हनुमान जी के लिए फूल बना रहा हूँ। मैं लेके आया हूँ बाहर से नीचे से, तो चलो मैं बनाता हूँ और आगे हम क्या क्या करेंगे वो सब आपको मैं दिखाऊंगा, बने रहिए। मैंने फाइनली हार बना दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल मैंने 4 हार बनाए हैं। ये वाला है, फिर दूसरा मैं दिखाता हूँ। अभी पूरा घर बिखरा पड़ा है। फिर दूसरे ये 2 मैंने बनाए, ये और एक ये वाले। चलो विश कर देते हैं हनुमान जी को, मेरी मूर्ति। जय हनुमान दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस अभी मैं घर साफ कर देता हूँ, पूरी बालकनी बिखड़ पड़ी है। तो अब ये सब साफ करके फिर ये सोफा सेट साइड में लगा के बहुत सारा काम बाकी है। चलते हो, बस सुनाई दे रहे कि हनुमान जी का वरघोड़ा आ रहा है। चलो नाचते बे, नाचो नाचो। अभी सच पे आया हूँ क्योंकि प्रॉपर दिखेगा सच पे। बहुत धूप है यार। पूरा घूम के अब ये हनुमान जी मंदिर जाएगा स्टेडियम में। तो हम सब रात को जाने वाले हैं प्रसाद लेने स्टेडियम हनुमान जी के मंदिर। तो मैं उसका हो सकेगा तो मैं आप सबको दर्शन जरूर करवाऊंगा। हम जाएंगे रात को 8-9 बजे प्रसाद लेने, क्योंकि ये आज भंडारा है उधर। तो हमने सोचा है हम लोग जाएंगे, तो मैं आप सबसे सैर कर पाऊँगा तो मैं बिल्कुल सैर करूँगा। जय श्री राम। मैंने सोफा इस साइड कर दिया और पूरी बालकनी खाली हो गई है। कैसा लग रहा है आप मुझे प्लीज कमेंट में पता। इधर से मैंने सोफा इस साइड था वो निकाल लिया, वॉशिंग मशीन भी निकाल दी, खाली हो गया और सोफे ऐसे लगा दिए पूरे। और ये एंटर गेट है, आप बताना। और ये डाइनिंग टेबल मैं खाली करके पूरा इस साइड लगा दूंगा, डाइनिंग टेबल इधर आ जाएगा तो ये भी खाली हो जाएगा पूरा। तो आप प्लीज कमेंट बताइए कैसा लग रहा है। देख सकते हो ये फाइनली लुक ऐसा दिख रहा है। हमने डाइनिंग टेबल ऐसे रख दिया और इसके ऊपर मूर्ति आएगी और इधर सारे प्रसाद। अब मैं आपको रेडी होके मिलता हूँ। अब मैं रेडी होने जा रहा हूँ।
मैं ब्लॉग फिर कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मैंने सब इतना थक गया था मेरे शक्ल और हालत से आपको पता चल रहा होगा। और हमने मतलब जैसे था घर वैसे कर दिया, इधर से आपको पीछे दिख रहा होगा डाइनिंग टेबल सब मैंने हटा दिया है जैसे थे, और मैंने आधे फूल भी निकाल दिए साइड में लगाए हुए थे, और घर भी जैसा था वैसा कर दिया है। इसलिए मैं भूल गया ब्लॉग, मतलब याद था मेरे को ब्लॉग बनाना है, पर सोचा चलो मैं थोड़ी देर के बाद आप सबसे मिलता हूँ। तो बस हो गया है और अभी हम जाएंगे हनुमान जी के मंदिर में, वो आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए काम फिनिश करते हैं। पहले आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है, और भंडारे की प्रसाद के लिए इतनी लंबी लाइन थी। इसलिए हमने सोचा चलो अब प्रसाद नहीं लेना है, जो मिला ठीक है। तो हमने फिर सोचा चलो बाहर से ही खाना खा लेंगे, और हमने बाहर से दाल बाटी ले ली थी और घर पे आके आराम से खाया और फिर हम सो गए। तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो बस मैं कल व्लॉग एंड नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा थक गया था मैं, तो मैंने सोचा चलो मैं कल आप मतलब कल सुबह ही मतलब आज सुबह मैं आप सबको व्लॉग एंड कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, और आप सब प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना जय श्री राम लिख देना जरूर कमेंट में, और कुछ ना लिखे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये भगवान जी का व्लॉग था तो आप शेयर कर सकते हैं। लव यू, मैं मिलूंगा आप नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।